So coming to the vegetation of Saudi Arabia, as we all know that Saudi Arabia is a deserty region. So the features of the desert will be the features of Saudi Arabia. What are the features? That features are that the sand is not fertile. The land is not fertile as the land is covered with the sand. Number two, the region receives very less or no rainfall. सो विच काइंड ऑफ वेजिटेशन देर वुड बी देर वुड बी दॉर्नी वेजिटेशन तो हम क्या देखते हैं कि सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट रीजन है और इसलिए यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन होगी थॉर्नी वेजिटेशन क्यों क्योंकि लैंड फर्टाइल नहीं है दूसरा है द लैंड रिसीव्स वेरी लेस और नो रेनफॉल ओके ना विच प्लांट्स आर फाउंड हीयर प्लांट्स लाइक कैक टी

और भी गहराई में चली जाती हैं साथ ही साथ इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो थॉर्नी होती हैं कटीली होती हैं क्यों बिकॉज थॉर्नी लीव्स डज़ नॉट लूज वाटर जैसे कि सभी प्लांट्स की लीव्स वाटर लॉस करती हैं लेकिन थॉर्नी प्लांट्स की लीव्स वाटर लॉस नहीं करती इससे इसकी वजह से वो कम पानी में भी सर्वाइव कर लेती हैं तो ये सब खासियत है वेजिटेशन दैट आर फाउंड इन सऊदी अरेबिया दैट दे हैव थॉनी बुशेस एंड शर्प्स एंड द लैंड इज नॉट फर्टाइल दे रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल एंड मोस्टली द प्लांट्स लाइक डेट पाम्स आर ग्रो नियर ओएसिस देन वी सी द सेम एनिमल्स विच आर फाउंड इन डेजर्ट्स the same animals are found in saudi arabia. for example, those animals which can survive without food and water for long duration can survive in desert area. so camel, which is knows, known as the ship of desert, can stay in saudi arabia or in a desert for many days without food and water. moreover, their, their feet is adapted to water.

Uh, खाने की कमी होती है तो ये एक दिन में ही इतना खा लेते हैं कि एक हफ्ते तक इन्हें खाने की ज़रूरत नहीं होती और एनिमल्स हैं जैसे कि अरेबियन हॉर्सेज जैकल्स, अरेबियन फॉक्स वुल्व्स एंड हाइनास। दिस दिस एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन सऊदी अरेबिया एंड व्हाट वी सी दैट नियर ओवासिस फ्यू बर्ड्स आर फाउंड सच एज पीजेंस एंड नियर द कोस्टल रीजन्स the birds like flamingos and pelicans are found so these, uh, so this is what the vegetation and wildlife of saudi arabia so petroleum is the chief natural resource found in saudi arabia so what is the natural resource main natural resource found in saudi arabia that is petroleum and one fifth of the total petroleum of the world is found in saudi arabia

सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एक्सपोर्ट भी होता है सऊदी अरेबिया में और दुनिया का पाँचवा भाग पेट्रोलियम का सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही मिलता है तो इस तरह हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो इकॉनमी किस पे बेस हो गई ऑयल पे बेस हो गई यानी पेट्रोलियम पे बेस हो गई सो इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा हम सऊदी अरेबिया में देखते हैं उसके साथ और भी मिनरल्स हैं जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक प्लैटिनम, क्रोम टिटानियम एंड प्रेशियस स्टोन्स तो ये सभी मिनरल्स भी सऊदी अरेबिया के इनकम को और रिच करती हैं आगे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर भी बहुत थोड़ी एरिया में प्रैक्टिस की जाती है क्यों बिकॉज ऑफ नो रिवर और लेक्स और वेरी लिटिल रेनफॉल तो नदियाँ नहीं हैं लेक्स नहीं हैं और बरसात बहुत कम है तो कैसे होगा एग्रीकल्चर लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे करते हैं बाय डिस सी वाटर वॉट इज़ डिस यू सी इन द की टर्म्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर सो दैट इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस तो जब हम सी वाटर को डिसाल्ट करते हैं उसमें से साल्ट को रिमूव करते हैं और प्योर बनाते हैं इसको कहते हैं डी साल्टिंग ऑफ सी वाटर तो इस तरह ये सी वाटर जो हो जाता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए सुटेबल हो जाता है तो डोमेस्टिक यूज़ फॉर एग्जांपल कुकिंग बाथिंग वॉशिंग क्लीनिंग, इन सबका यूज़ सी वाटर को डिसाल्ट करके किया जाता है और क्रॉप्स भी इसी से प्रैक्टिस की जाती है तो मेन क्रॉप्स कौन कौन से हैं वीट, राइस अल्फ़ा अल्फ़ा एंड टीप्स सो दिस इज़ फॉर द इकोनॉमी एंड द नेचुरल रिसोर्स ऑफ सऊदी अरेबिया